तो दोस्तों पुष्पा मूवी के बाद तो समाता की नहीं जैसे सामानों पर उड़ती हुई नजर आ रही है, उनके पांव जमीन पर लग ही नहीं रहे। पुष्पा मूवी आइडल सॉन्ग ने काफी इन्हें शोहरत दी है, काफी फेमस हुआ है इनका सॉन्ग ही, और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा ही पसंद किया है। आउट टू ऑल वर्ल्ड में इनके इन आइटम सॉन्ग को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया है, क्योंकि माता जी ने इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से डांस किया है। अल्लू अर्जुन के साथ काफ़ी फेमस हुआ है इनका कपल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ग्लैमरस तरीके से इस माता जी ने डांस किया है, बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ है इनका ड्रेस, बहुत ही पसंद किया गया है आइटम सॉन्ग। वो अब तारा में तो इनकी लुकिंग ही चेंज होगी जब इनकी ड्रेसेस चेंज हो के इन्होंने डांस किया अल्लू अर्जुन के साथ। वैसे तो दोस्तों जब से फिल्म इंडस्ट्री में समाता जी ने कदम रखा तब से लेकर आज तक आसमान की बुलंदियों पर ही उड़ती हुई नजर आई हैं, लेकिन पुष्पा मूवी आइटम सॉन्ग के बाद तो समाता जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया। अल्लू अर्जुन के साथ इनके कपल को काफ़ी पसंद किया गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा ही तारीफ की इनके डांस की। समाता जी आजकल बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुकी है, हर तरफ इनके इसी आइटम सॉन्ग के चर्चे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। आजकल समाता और अल्लू अर्जुन के बहुत ज़्यादा ही किस्से बना दिए है लोगों ने, जैसे वो बनाते रहते हैं। लोगों के कहना है कि समाता जी की अगर शादी अल्लू अर्जुन के साथ हो जाती तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल लगता है। एक तरफ उन्होंने कहा कि रश्मिका मंदाना की अगर अल्लू अर्जुन के साथ शादी हो जाती तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल लगता है। तो दोस्तों कौन शादी करता है? वैसे समाता जी भी मैरिड है, अल्लू अर्जुन भी मैरिड है, रहेगी रश्मिका मंदाना, तो उनको भी अपने जीवन साथी का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बात की जाए अगर समाता की इनकी खूबसूरती की, खूबसूरत एक्टिंग की और खूबसूरत अदाओं की, तो और समाता जी वाकई ही बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत कम अर्सा में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। अपनी खूबसूरत एक्टिंग और खूबसूरत अदाओं की वजह से सभी का दिल जीत लिया। समाता जी आजकल बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि उनके बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी दुआओं में याद रखें।